मटरा क्षेत्र के मोहरनिया गांव में भारतीय किसान यूनियन के लोग पहुंचे। मृतक गुरविंद्र सिंह के घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के लोग। किसान यूनियन के लोगों ने बताया कि बहुत ही बलशाली युवक था और अब हमारे बीच नहीं रहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कल किया जाएगा गुरविंद्र सिंह की अंतिम संस्कार। मृतक के घर पर पुलिस व प्रशासन रहे मौजूद। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। राम वर्मा, आज 9 महीने से भारतीय किसान यूनियन टिकैत 3 विरोधी कार्य कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है और लगातार प्रशासन द्वारा किसानों की हत्याएं की जा रही हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज लखीमपुर तुकुनिया में हमारे जो है नानपारा के 2 किसान भाइयों को जो है मौत के घाट उतार दिया और उस पर सीधे गाड़ी चढ़ा दिया। ये प्रशासन जो है हम किसान भाइयों को जो है बिल्कुल गुलाम बनाना चाहती है और गुलाम रख के जो है काम कर रही है। आज हम लोग लखीमपुर जा रहे थे, मेहपुरवा बाईपास पे पुलिस वालों की और हमको जाने से रोक दिया। मैं मोहरनिया गांव में इस समय मृतक के परिवार के साथ में हूँ, गुरमिंदर के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें शासन प्रशासन और जनता तक जाए और जनता जब पूरी किसान जागरूक हो जाएगी तो ये प्रशासन ये नहीं रहेगा। ये जवान लड़के शहीद हुए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम शांति जहां भी हों मिले और परिवार के लिए भगवान दया करे कि उनको संतोष होने का जो है उनको हर धैर्य पैदा हो। इसीलिए जो हमारे लड़के जिसके ज़रिए शहीद हुए हैं मैं ये चाहूँगा कि भगवान उनको बड़ी सज़ा देगी, इंसान भी सज़ा देगा जो ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं। हमारे किसानों के साथ जो ऐसा हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसका नतीजा इलेक्शन में ज़रूर भाजपा सरकार भोगेगी। वर्मा, हमारे साथी बड़े भाई मोहनलाल वर्मा जी, जिला महासचिव बहराइच, हमारे तहसील अध्यक्ष प्रयागपुर तिवारी जी और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और साथीगण, हम लोग हमारे जो लखीमपुर में 2 लड़के हमारे अनपारा तहसील के वहाँ पे दुर्घटना में मारे गए, उनके घर बैठे हैं और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि जो लड़के मरे हैं उनकी आत्मा को शांति दें, उनके घर वालों को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। हम लोग आज लखीमपुर जा रहे थे, रास्ते में प्रशासन ने हमको रोका और जो है हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे पुलिस वालों ने अवरुद्धता की, इसकी शिकायत हम ऊपर के अधिकारियों से भी करेंगे। को विराम देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ में कंधे में कंधा मिला के और बड़े जाबाज और हौसले से संगठन में रहते थे, संगठन में कार्य करते थे, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं और अंतिम समय में जो उनके साथ घटना हुई है वो बड़े दुख की बात है। मैं परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर उनको जो है अच्छे जो है तो उस पर ले जाए और उनको जो है वो नसीब हो। भारतीय किसान यूनियन तहसील प्रयागपुर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की जो दुखद घटना घटी है, विगत 10-11 महीनों से जो किसान आंदोलित है अपनी मांगों को लेकर के और ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के तानाशाही रवैया की वजह से हमारे लगभग 800 साथी शहीद हो चुके हैं। उसी कड़ी में हमारा 2 शहीद, हमारा साथी और जनपद बहराइच नानपारा से जो शहीद हुआ है उस कड़ी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो जाना चाहते थे धरनास्थल पर लेकिन प्रशासन के रोकने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। अब हम ये चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि हम अपने परिवार अपने भाई के मिट्टी में सम्मिलित होकर के और उसके मृत आत्मा के लिए इस वस्ते प्रार्थना करें कि वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान हो। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मत नहीं, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सरकार के द्वारा हमारे किसानों का जो ये जो कुर्बानी और ये बलिदान हो रहा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये निश्चित है किसी न किसी दिन अपना हक लेकर के वापस आए।
हम अपने भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिला महासचिव श्री मोहन लाल वर्मा के नेतृत्व में लखीमपुर के तिकुनिया में हुए नरसंहार के विरोध में हम लोग लखीमपुर के ही जा रहे थे। रास्ते में जो है लखीमपुर और जो है नानपारा के तिराहे पे पुलिस के द्वारा हम लोगों को वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बदतमीजी भी की, अभद्रतापूर्ण बातें भी की। उसके बाद नायब नानपारा को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ हमारे जो नानपारा के दो किसान मृतक हुए हैं दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, तो उनके मकान पर गए, शोक संतप्त परिवारों से मिले और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सदस्यों को दुख सहने की क्षमता दे प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत अपने तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में, तहसील अध्यक्ष प्रयागपुर प्रमोद तिवारी जी, नगर अध्यक्ष घनश्याम वर्मा जी और जो है बलहा ब्लाक से राम बनारस जी, तहसील नानपारा से साधुराम वर्मा जी, शिवपुर ब्लाक से हमारे जो है पारसनाथ वर्मा जी और संतोष जायसवाल जी और के नवाबगंज ब्लाक से जो है साहु जो है गोकरण पटेल जी और तमाम हमारे पुत्तीलाल वर्मा जिला संगठन मंत्री और संतोष जायसवाल जी और रिसिया ब्लाक से सुंदरलाल जी और तहसील महासचिव नानपारा धनीराम वर्मा जी के साथ में तमाम लोग हम लोग जो है जो तिकुनिया में घटना हुई है उस घटना के जो है जो हम लोग जा रहे थे रास्ते में नानपारा पीलीभीत हाईवे पे हम लोगों को प्रशासन ने रोक लिया, अभद्रता किया। ये सरकार की जो है सब मनमानी रवैया है। सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, हम किसानों की उपेक्षा कर रही है, इससे हमारा किसान संगठन तमाम किसान कार्यकर्ता एवं आम जनता आहत है और इसका भरपाई हम लोग अगले चुनाव में करेंगे। हमारा किसान इनको वोट नहीं करेगा और इनके जो कार्यकर्ता जाएंगे उनको गांव से खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग और इनकी उपेक्षा। और अब आज हम इस समय अपने पीड़ित जो हमारे मृतक हुआ हमारा भाई हमारा भतीजा उसके हम घर पे बैठे हैं। पीड़ित का नाम क्या है? ये मृतक सुखबीर सिंह गुरमिंदर सिंह उन्हीं के घर पे बैठे हैं और जो है उनकी मिट्टी जो है वहाँ लखीमपुर से आएगी। हम लोग मिट्टी में शामिल होंगे, संस्कार करने के बाद ही हम लोग। गुरमिंदर सिंह आपके साथ ही थे? हमारे साथ में वहाँ नहीं थे लेकिन हमारे किसान संगठन जुड़े हुए थे जी। उनके बारे में जवाब सिपाही की घटना बिल्कुल शोक प्रकट करते हैं और पूरे परिवार को सहनशीलता सैनिक की ऊपर वाले कृपा करें और जो भी हुआ है वो बहुत आनंदीय घटना है और सरकार से हमेशा ये समस्याएं बनती रहती हैं कि जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज और गोली चार्ज और ये जो है हमेशा सरकार की नीतियों से हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। जब कोई कार्यक्रम होता है तो हमेशा पुलिस वाले अभद्रता की जो है व्यवस्थाएं बनाया चला करते हैं। आज हम लोग जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों को रोका गया और किसी भी प्रकार से जाने नहीं दिया गया, तो हम लोग इस समय जो है मृतक के घर पे बैठे हुए हैं और इनके परिवार से सब लोगों से मिला गया, हालचाल हुआ और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान।